अगर हम बात करें टोपो आइसोम की तो ये आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि किस लिए कोड करते हैं ये एंजाइम्स आपके कोड करते हैं ताकि वो अनवाइंडिंग की प्रोसेस कर सकें क्योंकि रेप्लीकेशन की प्रोसेस आपकी जब भी होती है अब खासकर हम बात करें आपके यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में तो इसमें आपका जो रेप्लीकेशन होता है ये आपका डी क्या होता है डबल स्टैंडर्ड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करना पड़ता है अनवाइंड करना पड़ता है ताकि रेप्लिकेशन फोक form, जो फॉर्मेट होता है फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर सके डीएनए की कॉपी हो सके तो डीएनए की कॉपी होने के लिए डीएनए को पहले अनवाइंड करना पड़ेगा और ये जो काम करना होता है ये करता है आपका एनजाइम टोपो आइसोमरेजिस तो हमारे दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है टोपो आइसोम्रेस एनजाइम कट अनकोइल एंड रीसील द डबल डीएनए